देखिए दोस्तों, ये क्या है, क्या बनाई हूँ मैं, किसी को पता चल गया है तो कमेंट, पर पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है चीटिंग करेंगे आप लोग। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसे जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी प्यारी सी भार, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। और देखिए, हम लोग का घर में आज मशरूम बनेगा। बहुत सारा कलर दिख रहा होगा, ब्लैक, वाइट, येलो, ये सब मिक्स सत्तू है जंगल का। गए थे जंगल तो लेके आए हैं, तो रात को आज यही बनेगा। अच्छा, साफ करके पानी में डुबा के रखें कुछ देर, उसके बाद धो देंगे, फिर सब्जी बन जाएगा। अच्छा से मशरूम को धो देने के बाद पानी सबको निकलेगा अच्छा से बोल के। चलनी है इसमें, देख के यहाँ पानी सब निकलेगा अच्छा से। उसके बाद में बनेगा मशरूम। कढ़ाई चढ़ा दी, चढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, और अभी कढ़ाई हो गया है गरम गरम। अभी दे देंगे सरसों का तेल, तेल गरम हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसमें ऐड करेंगे गोटा वाला गरम मसाला, ज़्यादा कुछ नहीं दूंगी, ये थोड़ा सा ही गरम मसाला दे देंगे। तेल गरम हो गया दोस्तों, अभी हम लोग दे देंगे गोटा मसाला। और ये है घर का पिसा हुआ गोटा वाला मसाला, सब जैसे धनिया, जीरा, वो सब मिक्स होके रहता है, वही मसाला दे देंगे। अभी देखिए अच्छा से मसाला को भून रहे हैं हम लोग। उसके बाद में ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, और बाकी सब तो मसाला यहाँ पर दे दिए, इतना ही मसाला दे के बनाएंगे हम लोग। और अभी हम लोग दे रहे हैं मिर्ची और प्याज, आज कुछ नया स्टाइल में बनाएंगे। पहले मसाला दे दिए, उसके बाद में मिर्ची और प्याज दे देंगे, टेस्ट भी अलग आएगा आज का, देखते हैं टेस्ट कैसे आता है। पहले मसाला नहीं देते हैं, पर आज हम लोग पहले मसाला दे दिए, अभी तुरंत ही दिए हैं, अब देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है। ऐसा भी कभी कभी बनाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कैसे टेस्ट होगा बोल के। अभी देखिए, पहले हम लोग हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हम लोग का मसाला ऑलमोस्ट, अरे हल्दी भी नहीं निकला, इधर रह गया हल्दी, ये रहा हल्दी। ज़्यादा झोल नहीं बनाएंगे, आज का टेस्ट तो अलग ही लगेगा। मिर्ची और प्याज को बाद में दिए हैं, अभी सब मसाला थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। ये है धनिया पाउडर, धनिया जीरा तो दिया गया था गोटा वाला, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे दे रही हूँ। और ये रहा मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, खाली कलर के लिए थोड़ा सा। अभी थोड़ा गरम मसाला बोली रहे थे, देखो क्या बोल रही हूँ मैं। अभी थोड़ा सा पानी दे देंगे इसमें, मसाला पे पानी दे दिए, और देखिए अभी मसाला अच्छा से ये हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग दे देंगे मशरूम, मिक्स मशरूम जंगल का। अभी हम लोग नमक डाल देंगे दोस्तों, स्वाद के अनुसार नमक दे दीजिएगा। कलर अच्छा आ गया मसाला का, देखिए मसाला तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देंगे इसमें मशरूम, ये मशरूम है, और मशरूम सबको हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो गिर जा रहा है, अभी मशरूम डाल दिए हैं, कितना टकाला, गोरा, हरा, नीला, पीला, ऐसे बोलूँगी क्या, सब मिक्स वाला है मशरूम। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा से पानी निकल गया है मशरूम से। पानी कम हो गया, कितना अच्छा से मशरूम करी हम लोग का तैयार हो गया है। और थोड़ा देर उसके बाद तैयार, इसमें टमाटर नहीं देंगे, बहुत रेट टमाटर 160 रुपीज़ के जी है, इसलिए हम लोग आम देने से होता है, पर मेरी भाभी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आम देने से करी नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं आम भी नहीं दे रही हूँ, सिंपल से बना दी हूँ आज। ज़्यादा कुछ तो डाली नहीं, देखे हैं आप लोग भी काला वाला कैसे छत्तू दिख रहा है, और ये गोरा वाला छत्तू और ये जो येल्लो वाला छत्तू सब था, वो सब तो मिक्स हो गए, पता भी नहीं चल रहे हैं।
और पक गया ऑलमोस्ट। ये आप लोग के लिए है दोस्तों, खा दीजिए। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं दिए हैं, फिर भी टेस्टी लगेगा। ये जंगल का छत्तू है ना, जंगल का छत्तू टेस्टी छत्तू। थोड़ा सा पानी और कम हो जाएगा, ये तो पहले का ही। मैं पानी टोटली दी नहीं हूँ, ये अपना पानी ही निकल रहा है। ये पानी और थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा हल्का पानी दे देंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा झोल नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दाल बन चुका है। सिर्फ हम लोग को इसका थोड़ा सा ग्रेवी बनाना है बस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा देसी स्टाइल में, कुछ ज़्यादा मसाला नहीं, ऑयल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का मशरूम का पानी निकल ख़त्म हो गया है, देखिए। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दोस्तों, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। पानी दे दी हूँ दोस्तों, देखिए अच्छा से वो उबल रहा है। और थोड़ा देर के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे या लगा तो आप भी बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा तो दी नहीं हूँ देखे हैं आप लोग, फिर भी इसका जो ग्रेवी है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है ये वाला ग्रेवी दोस्तों। देखिए हम लोग का मशरूम हो गया है, मशरूम लटपट बोले, ज़्यादा तो झोल नहीं है। और ये बहुत स्टिक्की जैसे रहता है ये वाला झोल, अच्छा लगता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कैसे बना है मेरा मशरूम। बाय दोस्तों।